संसद में मोदी की चहेती मंत्री को कांग्रेसियों ने खदेड़ा, जान बचाकर भागी रानी। संसद के मॉनसून सत्र के शुरुआती तीन दिनों तक संसद के दोनों सदनों के ठप होने के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया है, जहां कांग्रेस सरकार पर महंगाई और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी जैसे मुद्दों पर बहस से भागने का आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए बहस के पूरी तरह से तैयार होने का दावा किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को संसद में मौजूदा गतिरोध का सूत्रधार करार दिया है। दरअसल मंगलवार को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संसद में विपक्ष के सवालों और बहस से भागने का आरोप लगाते हुए इसे असंसदीय करार दिया है। बुधवार को प्रधान और ईरानी ने कहा कि राहुल सदन में बोलने से भाग रहे हैं। ईरानी ने संसदीय कार्यवाही में राहुल की नगण्य भागीदारी का हिसाब भी पेश कर दिया। दोपहर में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया, राज्यसभा में विपक्ष महंगाई और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका प्रतिकार करते हुए कहा कि सरकार महंगाई समेत सभी मुद्दों पर चर्चा पर जोर दे रही है, लेकिन विपक्ष बहस की संभावना को भी ध्वस्त करने में जुटा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी या तो सदन में बोलने से डर रहे हैं या उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, या फिर उन्हें अभी ट्यूशन नहीं मिला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि वह राजनीतिक रूप से अनुत्पादक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें संसद की उत्पादकता पर लगातार अंकुश लगाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का राजनीतिक जीवन संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं के अनादर के प्रदर्शन के साथ बिताया है। उन्होंने कहा कि वह अब लोकसभा की उत्पादकता को कम करने पर अड़े हैं।